छह साल के लंबे इंतजार के बाद पीलीभीत मैलानी रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इन ट्रेनों के संचालन की शुरुआत के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भी मुलाकात की थी। मैलानी रूट पर अब 3 जोड़ी ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत पहुंचे। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दिखाई। दरअसल मैलानी रेलखंड पर ब्रॉडगेज के काम के बाद से ही ट्रेनों के संचालन बंद थे, जिनको शुरू करने की मांग एक लंबे समय से की जा रही थी। लंबे इंतजार के बाद जब यह पलाया तो लोग रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े। रेलवे विभाग की ओर से भव्य तैयारियां भी की गई थी। रेल सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीलीभीत सागढ़ मैलानी अमान परिवर्तित रेलखंड पर विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री बंदलेव सिंह औलख के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर, मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर रेखा यादव मौजूद रही। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ये स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, जो 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन अब मैलानी के लिए संचालित होगी। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ से भी एक ट्रेन पीलीभीत तक चलाई जाएगी, तो वहीं हावड़ा से लालकुआं तक जाने वाली ट्रेन भी अब पीलीभीत होकर गुजरेगी। वहीं आने जाने वाले रेलवे टाइम में अन्य ट्रेन भी इसी रूट पर चलाई जाएंगी, जिससे जनता को यात्रा करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। ट्रेन जो कि यहां से पीलीभीत से मैलानी के लिए चलाई गई सागढ़ होते हुए, इसके संचालन के साथ ही इस रूट पर नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। कल से यानी कि 2 तारीख से इस पर 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें जो पीलीभीत से मैलानी के मध्य चलेंगी, और एक ट्रेन जो लखनऊ से आती थी सागढ़ तक, उसका एक्सटेंशन भी किया गया है, वो पीलीभीत तक आएगी। इससे जो यहाँ की जनता है उनको राजधानी लखनऊ आने जाने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल ट्रेन भी है जो हावड़ा से लालकुआं पहले भी चली है, उसको भी हम लोग चला रहे हैं। इससे यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इनकी बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग कह सकते हैं, जैसा आपने खुद ही कहा कि जून 2018 में यह सेक्शन ब्लॉक किया गया था, इसमें काफ़ी चैलेंजेज आए क्योंकि टाइगर रिजर्व के अंदर कार्य किया जाना था, उसमें हाई वाटर टेबल था, रोड कनेक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं थी, डे लाइट में काम होना था। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो चैलेंजेस थे, उसको ओवरकम किया गया और इस कार्य को पूरा किया गया। इससे जो यहाँ की जनता है उनको काफ़ी सुविधा मिली। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पीलीभीत से ऋतिक द्विवेदी की रिपोर्ट।